पर फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। वोट प्रतिशत सार्वजनिक किए जाने की मांग, 48 घंटे के अंदर डेटा सार्वजनिक करने की मांग है। मांग को लेकर दायर जनहित याचिका, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वैकेशन बेंच में मामले पर सुनवाई होगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को दे चुका है जवाब। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा था जवाब। एडीआर और महुआ मोहित्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है जनहित याचिका। ईसी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एरिया नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें वोटिंग के 48 घंटे के भीतर सभी बूथों का फाइनल डेटा जारी करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव के 48 घंटे के भीतर बूथवार वोटिंग का डेटा सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में आयोग ने कहा बुधवार को कि फॉर्म 17C के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। आयोग ने कहा ऐसा कोई कानून नहीं जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं, इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं। फॉर्म 17C वो प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। और सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, आज सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सीजीआई की जो बेंच है उसने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था और पूछा था कि फॉर्म 17C यानी कि जो डेटा सार्वजनिक करने की जो मांग है उस पर चुनाव आयोग का क्या कुछ रुख है। बुधवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है और याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और पोलिंग एजेंट को ही ये फॉर्म 17C दी जा सकती है। इसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है। अगर पब्लिक डोमेन में अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तो मतदाताओं के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। तो चुनाव आयोग ने याचिका खारिज करने की मांग की है, क्योंकि एडीआर और महुआ मित्रा ने ये याचिका दायर की है और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से पब्लिक डोमेन में 17C जो फॉर्म होता है उससे सार्वजनिक करने की मांग की है। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो खंडपीठ है वो इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। आपको आपको बता दें कि एडीआर जो संस्था है वो वही संस्था है जिसने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर याचिका दायर की थी और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ही आरोप लगाया था कि ऐसी याचिका दायर कर कहीं ना कहीं लोगों देश के छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो एडीआर को पहले भी इसी बेंच की ओर से जो है वो फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन दोबारा ये याचिका फॉर्म 17C को लेकर दायर की गई है। लेकिन आज देखना होगा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से विरोध किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। आज इस पर कुछ अंतरिम आदेश आ सकता है। बिल्कुल सुमित, आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे लेंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।